दोस्तों अलवर मंडी में बीच की गाड़ियां लग रही हैं। मैं देख रही ये आपको मैं दिखा रहा हूँ बीच की गाड़ियां। ये चारों तरफ ही बीच बीच की गाड़ियां लग रही हैं। ये आपने बीज लिया भाई साहब? हाँ जी भाई। हाँ जी। कौन सा बीज लिया? बीज तलाजा है। हाँ। क्या रेट लिया भाई साहब? रेट छियालीस सौ रुपये लिया। हाँ। कितना क्विंटल लिया? लगभग क्विंटल 40। 40 क्विंटल लिया। आप कहाँ से हो भाई साहब? जयपुर से, रामगढ़ तहसील। जयपुर, जम्मू रामगढ़। यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर पड़ता है। 150 किलोमीटर। आप कैसे आए यहाँ पर, मतलब बीज लेने के लिए? आपको कैसे सूचना मिली यहाँ बीज मिलता है अलवर में? बीज मिलने की थी, ये अच्छा बीज मिलता है। अच्छा, आपको पहले से सूचना थी यहाँ पर मिलता है अलवर में, है ना? तो आपके वहाँ प्याज हो जाती है? हर बार ले जाते हैं ना यहाँ से। अच्छा, हर बार ले जाते हो? हाँ, हर बार। अच्छा 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 चलो, बीज का क्या रेट रहा आज वैसे? आज नीचे में 4500, ऊपर में 5200 रुपये। हाँ, बीज। और बिक्री कैसी है बीज की? बिक्री दो तीन गाड़ी भी है सेल। बस दो तीन गाड़ी है। और आवक? आवक एक गाड़ी नहीं है, आठ गाड़ी बैलेंस है। चलो ठीक है, धन्यवाद। ये अलवर में लोकल बीज आ रहा है ना? ये आपका, ये आप बीज आपका है लोकल? हाँ। कौन से गाँव का? धौलीधूप का है। किस कण का है? ए1 सुपर का है। क्या रेट लगभग खुल रहा है इसका? 7000 तक का रेट है ये। आपने अपने प्याज बोली क्या? हाँ जी। हैं? अच्छा, ये एक्स्ट्रा बच गया आपका। चलो आपका बीज देख लेते। ये भाई साहब, ये खुली ट्रॉलियों में आजकल बीज आने लग गया, अलवर मंडी में बिकने लग गया है लोकल। ये जो अलवर का बीज है, ये पहले तो अपना थोड़ा सा परिचय देंगे भाई साहब अपना। हाँ जी, अपना नाम बताना। रुद्दार खान। अपन अब सब्जी मंडी में प्याज का ही काम है ना अपना? जी, थोक का ही काम है ना। और गांव अपना ककराली है। ककराली। हाँ, ये तलाजा भी जा, ये गाड़ी जो आपकी खड़ी है, क्या रेट खुला है इसका? इसके 5000। 5000 रुपये खुला है। और बाजार में आज बीज की आवक कैसी है? आवक गाँव का बीज भी गाँव में आ गया है, यहाँ 5500 बिक रहा है। अच्छा, तो मतलब बीज की बिक्री भी डाउन हो चुकी है? बिक्री डाउन हो गई। और गाड़ियाँ भी अलवर मंडी में आज बहुत ज़्यादा आई हुई है। ज़्यादा है, 15 गाड़ी है। 15 गाड़ी है, तो इसका मतलब रेट बीज का डाउन रहने की संभावना है? हाँ, 4000 से 5000। 4000 से 5000 का रेट है। ये गाड़ी तो आपकी ही लग रही है ना? जी। ठीक है, धन्यवाद। ये अलवर अनाज मंडी के आड़ती हैं, कालू राम मुंशी लाल के नाम से फर्म है। अपना नाम बताएंगे सर? हरिकिशन अग्रवाल है। ये सबसे पहले तो ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि ग्वार के भावों में बहुत तेज़ी आ चुकी है, लगभग क्या रेट खुल रहा है आज? आज 6100 का भाव है इस टाइम। और आगे क्या उम्मीद बन रही है इसमें? अभी तो बहुत जबरदस्त सट्टेबाजी चल रही है, ये आगे तेज रहेगा। आगे ग्वार का भाव तेज रहेगा। और सरसों का भाव क्या खुला? सरसों भी तेज रहेगी, 7800 बिक गया। और गेहूँ? गेहूँ का भाव है 1830-35। और सब में तेजी आ रही है? सब बाजारों में तेज है, कहीं मार्केट में कमोडिटी में मद्दा आएगी। और चना भी? चना आ रहा है? चना थोड़ा सा मद्दा है। चना 5200-5250 का भाव। 5200। और ये कपास की आवक कब से चालू होगी? कपास भी बहुत तेज जाएगी। नहीं, आवक कब से है कपास की? 1-1.5 महीने। अभी 1-1.5 महीना लगेगा। चलो, ग्वार में तो ये सुकून भरा रहेगा, जो थोड़ी बहुत तेजी निकल रही है ग्वार में। कई सालों से भाव अटका हुआ था, और अब एकदम तेजी का रुक रहा है। कपास में बहुत जबरदस्त तेजी रही, कपास भाव मतलब नहीं रहेगा। कपास के भाव में भी तेजी रहेगी? बिल्कुल। ये ग्वार के भाव में लगभग कितने दिन से उछाला है? ये मतलब मुश्किल से मेरे ख्याल में 10 दिन के अंदर ही ग्वार का भाव बयान के अंदर 1500 बढ़ गया। 1500 बढ़ गया। और आगे तेजी की उम्मीद भी बन रही है। धन्यवाद। ग्वार कुछ ही भाव हो सकते हैं। अच्छा, धन्यवाद।